आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत सारी टीचिंग वैकेंसीज इन द सेम वीडियो। मैं इसी वीडियो में आप लोगों को 4-5 स्कूल्स की वैकेंसीज बताऊंगी। सो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं या जो जॉब एक्चुअली में कर ही नहीं रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जो जितनी भी वैकेंसीज हैं, दे आर फ्रॉम रेप्यूटेड गुड स्कूल्स। तो हमारी पहली वैकेंसी जो है, इट इज़ फ्रॉम शेमरॉक जूनियर स्कूल। ये आपका पश्चिम बिहार में है, दिल्ली का स्कूल है। इसमें आपकी जो वैकेंसी है, इट इज़ फॉर हेड मिस्ट्रेस, मतलब स्कूल हेड चाहिए उनको। और ये मांगा है कि फीमेल कैंडिडेट्स विल बी प्रेफर्ड। अगर कोई रेजिडेंशियल, अगर आप लोग वेस्ट दिल्ली में रहते हैं, तो आपको थोड़ी सी प्रेफरेंस मिलेगी। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। कम्युनिकेशन मतलब इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स शुड बी वेरी स्ट्रांग। तो अगर आप लोगों के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आप लोग हेड मिस्ट्रेस का, तो आप इस स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं थ्रू देयर ईमेल आईडी। मैं आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, उसके थ्रू आप लोग अपना जो भी इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्स है, वो भर सकते हैं। अच्छा, इसमें सैलरी भी दे रखी है कि दे कैन ओनली पे 35,000 to 45,000। ठीक है। देन स्पेशल एजुकेटर, मेरा आई थिंक काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं स्पेशल एजुकेटर हैं, तो उनके लिए वैकेंसी है। सो फीमेल स्पेशल एजुकेटर विल बी प्रेफर्ड। ये आपकी जो वैकेंसी है, इट इज़ फ्रॉम कैंटरबरी पब्लिक स्कूल। ये आपका यमुना बिहार में है। अगर आप लोगों ने बीएड किया है इन स्पेशल एजुकेशन, अगर आप लोगों के पास बैचलर डिग्री है एंड साइड बाई साइड अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। इस पोस्ट की खास बात यह है कि इसमें आपको अप्लाई नहीं करना है। इस आप यहाँ पे आपके वॉक इन इंटरव्यू है। वॉक इन मतलब आपको अपना लेटेस्ट सीवी लेके जाना है विथ फोटो कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। एंड आप लोग 11 से लेके 1 के बीच में, इवन आप लोग अगर आज की वीडियो मिल जाती है तो आज बना कल भी आप लोग जा सकते हैं। ये 2 दिन पहले की वैकेंसी है। तो ऑन ऑल वर्किंग डेज, मतलब इसी वीक चले जाइए तो बेटर है, तभी आप लोगों का चांस हो पाएगा, राइट। थर्ड आप लोगों की जो वैकेंसी है, इट इज़ फॉर ऑर्लियन स्कूल। ये ऑर्लियन स्कूल जो है सेक्टर 8 रोहिणी के अंदर है। इसमें आपकी PRT मैथ्स और साइंस की वैकेंसी है। तो अगर आप लोगों के पास बैचलर डिग्री है, अगर इफ़ यू आर एक्सपीरियंस कैंडिडेट, अगर आप लोगों के पास इवन 2 साल का भी एक्सपीरियंस है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स है, इफ़ यू आर इंग्लिश स्पीकिंग इज गुड, देन आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको लिंक दूंगी, आप लोग उसको लिंक में अपनी डिटेल्स को फिल कर देंगे और अपना CV उनके ईमेल आईडी पे भी भेज देना, ताकि फॉर सेफर साइड। तो इसमें सैलरी स्ट्रक्चर भी दे रखा है। सी, अगर आप फ्रेशर हैं तो 15,000 से 25,000 रुपये तक मिलेगा। तो आई डोंट थिंक कि फ्रेशर के लिए 20-25,000 रुपये कम है। तो आप लोग अगर आपको सैलरी ठीक लग रही है, तभी आप जाइए, वरना देयर इज़ नो नीड टू वेस्ट योर टाइम। नेक्स्ट आपकी जो वैकेंसी है, इट इज़ फ्रॉम बहादुरगढ़। तो अगर आप लोग बहादुरगढ़ हरियाणा के रेजिडेंट्स हैं या रोहिणी के नियर बाय रहते हैं, तो अभी भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी है ट्रिनिटी स्कूल की, ओमेक्सा सिटी, झज्जर रोड। यहाँ पे आपका झज्जर रोड सेक्टर 14 बहादुरगढ़ की वैकेंसी है। इसमें दे वॉन्ट टीचर फॉर सोशल साइंस एंड इंग्लिश। अगर आप लोग आर्ट्स ग्रेजुएट हैं या इंग्लिश से आपने इंग्लिश ऑनर्स किया है, अगर आप लोगों ने बीएड किया है, इफ़ यू आर फ्लुएंट इन इंग्लिश, डिजिटल फ्रेंडली है, मतलब स्मार्ट बोर्ड के थ्रू भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अगर आपके पास 3 साल का भी टीचिंग एक्सपीरियंस है, इफ़ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आप लोग रेगुलरली वहाँ पे जा आ सकते हैं। सी, बहादुरगढ़ दिल्ली का अगर आप कोई कैंडिडेट अप्लाई करता है, अगर आप रेगुलरली वहाँ पे जा सकते हैं या अपने आप को रीलोकेट, मतलब वहाँ पे घर लेके रह सकते हैं, तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है रोज के जाने आने में, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए बिफोर ज्वाइनिंग। ये ध्यान रखना है कि 25 जून से आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। इसका मतलब अगर आप अप्लाई करते हैं तो विद इन 2 या 3 दिन आप लोगों को कॉल आ जाएगी फॉर इंटरव्यू, एंड 25th से वो आप लोगों की ज्वाइनिंग करा देंगे, 25th जून। तो ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। सो अगर आप लोगों को ये वैकेंसीज पसंद आई है, तो हरी अप, यू कैन गो टू अप्लाई इट ऑनलाइन। थैंक यू एवरी वन, हैव अ नाइस डे।